सोना महल पुरानी बाजार गढ़वा 22 कैरेट और 30 कैरेट के बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी के लिए संपर्क करें। बिश्रामपुर के नगर पंचायत मुख्यालय के व्यस्तम बाजार चौक के पास मुख्य पथ पर 3 फीट ऊंचा पानी जमा हो गया है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे स्थित दर्जनों घरों में बरसात का पानी घुस गया है। यह स्थिति दो व्यक्तियों के आपसी विवाद के बाद उत्पन्न हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के वार्ड 16 से शुरू हुआ नाला भेलवा नदी में जाकर मिलता है। वर्षों से इसी नाले के माध्यम से बरसात का पानी निकलकर नदी में जाता है, लेकिन दो व्यक्ति राजेंद्र गुप्ता व अवधेश केसरी ने आपस में विवाद कर बारी बारी से नाले के निकासी मार्ग को बंद कर दिया, जिसके बाद से बिश्रामपुर पांडू मुख्य पथ पर पानी जमना शुरू हुआ। बरसात का पानी लोगों के घरों व दुकानों में भी घुस गया, जिससे वहां के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। इस संबंध में पीड़ित स्थानीय लोगों ने बिश्रामपुर नगर परिषद के सहायक नगर आयुक्त परवेज आलम को आवेदन देकर नाला चालू कराने का आग्रह किया। ग्रामीणों के आवेदन के आलोक में परवेज आलम ने स्थलीय जांच किया। उन्होंने राजेंद्र गुप्ता व अवधेश केसरी को नाले के निकासी द्वार को खोलने को कहा, लेकिन राजेंद्र गुप्ता नाले की निकासी नहीं खोलने के जिद पर अड़े रहे। बाद में सहायक नगर आयुक्त परवेज आलम ने राजेंद्र गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। स्थलीय जांच के दौरान बिश्रामपुर थाना प्रभारी श्री भगवान सिंह, प्रशिक्षु दरोगा कृष्णा यादव, नगर प्रबंधक निशांत जोशी तिर्की, पार्षद पूनम देवी, विजय कुमार रवि, कमता प्रसाद, रमेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।